नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम आम की कलम कैसे तैयार करें, कलमी आम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सभी ने ध्यान से देखना है, आपने आम के पेड़ से, जैसे केवी आम के पेड़ के नीचे जाओगे तो वहाँ पर गुठलियाँ पड़ी होती है, या तो उन गुठलियों को उगा कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो, ये मेरे पास आम का बूटा है, ये कम से कम 2 साल पुराना है, तो मेरे पास, मैं कल ले आया हूँ, तो वहाँ पर बहुत लगे होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना था कि इसकी जो जड़ साथ में होनी चाहिए, देखो कितनी बड़ी जड़ है। ये पौधा आपका 1-2 साल के बाद फल देने स्टार्ट कर देगा, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, अब इसकी हम कलम कैसे तैयार करें। तो कलम के लिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम हटाते हैं, ये पत्तियां, क्योंकि पत्तियां नहीं हैं तब आएंगी जब आप इन पत्तियों को हटा देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पत्तियाँ नहीं चाहिए। और फिर आपने, जैसे ये हम कलम करेंगे इसको, तो हमने इसके बराबर का ही, जैसे ये मैं लाया हूँ, ये पत्तियाँ लाया हूँ मैं कलमी आम की, दशहरी आम है उसकी। तो अब मैं इसको, ये एक आम आम है तो, और ये एक दशहरी है जो मार्केट में आपको दुकान में परचेज़ करते हैं, दशहरी आम है। तो ये आम है, इसका जो साइज होता है छोटा होता है, जब ये कलम लग जाएगी तो ये दशहरी बन जाएगी। तो सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों हमने अब इसको पत्तियों को निकाल देना है, पहले इसकी पत्तियां हम निकाल देंगे, तो ये पत्तियां निकाल दी। अब हमने इसको कलम करना है, ये देखो, इसको जैसे हम कलम बनाते थे ना पहले बचपन में, आपने पट्टी से उस कलम से लिखा होगा, स्याही वाली से। तो इसको हमने क्या करना है, जैसे ये देखो, ये आपने कलम बना दी और इसको यहाँ से काट दिया, और इसमें बिल्कुल सफाई रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें हाथ नहीं लगना चाहिए, आगे आपने हाथ नहीं लगाने तो कलम आपकी कामयाब नहीं होगी। तो हमने अब इसको थोड़ा और ध्यान से, इसको हमने वो कर दिया। इसके बाद ये तो कलम तो हमने बना ली, अब हमने इसको यहाँ से काट दिया, ये देखो ध्यान से, इसको यहाँ सेंटर से काट दिया। अब आपने इसके सेंटर में, तो सेंटर से हमने लगा दिया, अब इसके ऊपर हम सेंटर में चीरा लगाना है, इसमें भी हाथ नहीं लगाना है। और फिर हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेट कर दे, बैठा दिया मैंने। तो अब इसके बाद आपने इसको, इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इसको हमने टाइट कर दिया, अब हमने यहाँ से नीचे से इसको हमने सेलो टेप से ढक देना है, नीचे से करेंगे, और सेलो टेप ऐसे लगानी कि इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए, और जहाँ पर कलम लगाई है वहाँ पर ही आपने कस कर रखना है, इसी का ध्यान रखना है। तो हम तो इसको अब हमने ऐसे बिल्कुल टाइट कर देना है कि हवा ना इसके अंदर रहे, जैसे ये मैंने कलम लगा रखी थी। तो अब ये कलम जो हमारी, आपने 15-20 दिन इसका वेट करना है, क्योंकि जब ये कलम आपकी, जैसे ऊपर पत्तियां आ जाएंगी नहीं, तो समझो कि आपकी जो कलम है आपकी तैयार हो गई है। तो ऐसे अच्छी तरह से सेलो टेप लगाना है। तो दोस्तों अब ये आम, नॉर्मल आम जो है, दशहरी आम बन गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।